रेडियो स्टार्ट कर दूं। अरे भाई लिफ्ट कर दो। ओके आज है फाइनल। कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट हमने रखा था उसका फाइनल है आज के दिन, और देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फिलहाल ये टूर्नामेंट, क्योंकि इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे इमॉर्टल लॉबी के हैं। आपको पट से हेडशॉट बहुत देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही क्रिस्प हेडशॉट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी। टीम एक टीम एक्सप्लोजन और टीम स्ट्रॉ हैट्स के बीच ये मैच। तो दोनों टीमों ने कहीं ना कहीं अपने के एजेंट्स लॉक कर दिए हैं और 27 सेकंड में मैच स्टार्ट होगा। और देखा जाए तो आइस बॉक्स एक बहुत ही बेहतरीन मैप माना जाता है, चाहे वो अटैकिंग में हो चाहे वो डिफेंडिंग में हो क्यों ना हो, और इसमें तो मैच चुटकियों में पलटता है और कमबैक भी बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिलते हैं, और मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं इमॉर्टल लॉबी के हैं, तो उसी लेवल का मजा आपको आज इस मैच में मिलने वाला है। टीम एक्सप्लोजन कहीं ना कहीं अपने फील्डिंग जमाती हुई, फिलहाल डिफेंडिंग मिली है और देखा जाए तो कोई भी हिस्सा ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते। सो एक प्लेयर बी पे, एक मिड पे और तीन ए पे। कहीं ना कहीं अधिकतर शुरुआत कहीं ना कहीं ए से ही होती है, इनको नहीं पता कि सारे प्लेयर्स के इनके मिड से पुश कर रहे हैं और मिड टू बी जाने का पूरा प्लान है। और क्या यहां पे स्लोली कोई किल निकाल पाएंगे, क्योंकि थोड़े घिरे हुए महसूस हो रहे हैं, और यहां पे स्लोली को शट डाउन कर दिया गया है। और बहुत ही खूबसूरती से डिफेंडिंग क्लियर करते हुए बहुत ही आराम से खेल रहे हैं। तो इमॉर्टल लॉबी का मजा ही कुछ और होता है। अगर आपका एम अच्छा हो तो सामने वाला कोई भी प्लानिंग कर ले आप उसे ढेर कर ही देंगे। अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि प्लेयर कहां हो सकता है। तो दोबारा मिड से कहीं ना कहीं गेम निकालने की कोशिश। यहां पे इनएक्टिव कहीं ना कहीं साइट में एंटर करने की कोशिश करते हुए, क्या सामने से अभी प्लेयर्स को पता है कि ये ऑलरेडी आ चुके हैं? डेफिनेटली पता है, लोकेशन रिवील हो चुकी है। मिड के प्लेयर्स थोड़े से परेशान है, हालांकि
मिड अगर नहीं निकल पाया तो कोई बात नहीं, हम बी पे आके प्लांट करेंगे और देखा जाए तो बी में सक्सेसफुली प्लांट करते हुए। बट मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी कर दी यहाँ पे ये बोलने में कि प्लांट करते हुए, बट यस न्यूट्रलाइज कर दिया इतनी जल्दी भी नहीं। सो बेबी डोंकी से बचना मुश्किल ही नामुमकिन है, कोई भी डिफ्यूज हो होने नहीं देते। चेस भी अपना पूरा गेमिंग सेंस लगाते हुए, बट यस लोकेशन रिवील कर दी है दोनों ही प्लेयर्स को, पता है कि शॉट्स कहां से फायर हुए हैं, क्या यहां पे जेट को मार पाएंगे। सामने भी जेट है, इधर भी जेट है, सामने एचपी बहुत कम है और बहुत ही खूबसूरत किल। एग्जैक्टली ब्लाइंड पे मारा है, प्लेयर सामने नहीं दिख रहा था, पर एक्सपीरियंस एक अलग ही चीज होती है। देखते हैं फिलहाल अटैकर्स की तरफ से देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो थोड़ा सा डायवर्सन क्रिएट किया जा रहा है, ए पे कहीं ना कहीं फेक किया जा रहा है और बी पे प्लांट करने जा रहे हैं, पर डिफेंडर्स को भी पता है कि कहीं ना कहीं बी साइड पे भी आ सकते हैं। और यस डेफिनेटली बेबी डोंकी ने कहीं ना कहीं क्लियर किया है, एक बार तो चेक करेंगे क्या क्या कोई और प्लेयर भी है। हालांकि शॉट्स कहीं ना कहीं ए पे फायर हुए हैं, कंसान की नजरों से देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। सो वाइपर वहां से लौटती हुई स्पाइक लेके और यहां पे डोमिनेट करने की कोशिश होगी, बट नहीं नहीं, हर गेम में कहीं ना कहीं डिफेंडर्स अटैकर्स को गलत साबित कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी अटैकर्स की यहां पे काम नहीं कर पा रही है। सो कुछ तो करना पड़ेगा टीम हेड्स को। एग्जैक्टली मुझे तो लगता है एक बार के लिए टोटल प्लेयर्स को ए साइड पे पुश करना चाहिए एग्जैक्टली, और मिड पे थोड़ा सा यहां पे नजर रखनी चाहिए। और यहां पे ए साइड पे एंटर कर चुके हैं बहुत ही एग्रेसिवली इनएक्टिव आगे बढ़ते हुए। और अब तो कहीं ना कहीं किसी भी हालत में कहीं ना कहीं प्लेयर अटैकर्स को अंदर आने नहीं दे रहे, सभी को कहीं ना कहीं ढेर कर दिया है। राइट हियर, और यहां पे ये मैच भी डिफेंडर्स के हाथ जाते हुए, अमेजिंग। यू कैन ट्रस्ट माय बॉस, आई थिंक अटैकर्स भी सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है फिलहाल। ऑनेस्टली शी वोंट मिस दैट फिंगर, हो क्या रहा है यहां पे, कोई भी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं अटैकर्स की काम नहीं कर रही है। मैंने बोला ना कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपका एम अच्छा है तो फर्क नहीं पड़ता सामने कितने हैं। डिफेंडर्स लगातार चार मैच निकालते हुए, गेट आउट ऑफ माय वे। और यहां पे बहुत ही अच्छा ब्लाइंड शॉट, अमेजिंग शॉट बेबी डोंकी के थ्रू, बट यहां पे नाकाम हुए, बट कोई बात नहीं, बहुत ही खूबसूरत किल निकाला है बेबी डोंकी ने। और साइड बी में कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बट क्या इस बार कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएंगे, मुझे लगता है यहां पे कामयाबी ना हासिल होने पाने की वजह से एक बार अब एपी जाने की कोशिश करेंगे। 50 सेकंड है अभी इनके पास, मौका है इनके पास दोबारा ए पे जाने का, बट मुझे लगता है यहां पे सेज ने अगर देख लिया मिड से इनको क्रॉस होते हुए तो समझ जाएगा कि यस
अब इन लोगों ने रोटेशन कर लिया है और ये लोग बी से ए साइड पे जा सकते हैं। क्या ये सच में बी पे जा रहे हैं, देखते हैं अटैकर्स के थ्रू। तो देखा जाए तो अटैकर्स ने फिर से थोड़ा सा यहाँ पे देख को बनाने की कोशिश की है, बट यस दोबारा बी पे पुश, दोबारा उसी पावर के साथ। बट क्या ये कामयाब हो पाएंगे, कोई चेंजेस नहीं किए, थोड़ा सा बैकफुट हुए। ये दिखाने की कोशिश की गया हम रोटेट कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है। और पहला मैच कहीं ना कहीं अटैकर्स निकालते हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। मैं कहने मतलब है कि यस थोड़ा सा आपको एग्रेसिव से हट करके थोड़ा दिमाग से भी खेलने की जरूरत है। जोश में होश नहीं होना चाहिए, है ना। और जैसे मैंने बोला कि आइस बॉक्स एक ऐसा मैप है जिसमें अगर आप हार भी रहे होंगे और अगर आपने सही समय पे एक्शन लेना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है आप कमबैक भी कर सकते हैं। ये मैप कमबैक के लिए बहुत ही बेहतर मैप है। टैकर्स एग्रेसिवली कहीं ना कहीं दोबारा साइड बी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये हिस्सा इनसे निकल चुका है और इनको पता है कि यहाँ पे अब किस तरह से अपनी फील्डिंग बैठानी है। पर कहीं ना कहीं वेलकम टू माय वर्ल्ड, क्या ये बी को निकाल पाएंगे। You should run. So, फिलहाल केजे ने अपनी एबिलिटी का चलो यूज किया, क्या उस एबिलिटी से की हेल्प से कहीं ना कहीं आप बॉम्ब प्लांट कर पाएंगे, लेट्स सी। और बहुत ही खूबसूरत सोवा ने अपनी जो एबिलिटी का यूज किया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बट यहाँ पे हर जगह एबिलिटी काम नहीं आती। 30 seconds left. बॉम्ब तो प्लांट करना पड़ेगा या तो सामने वाले प्लेयर को ढेर करना पड़ेगा अगर ये मैच अगर अटैकर्स को निकालना है। और बहुत ही खूबसूरती से काशान ने ये मैच अपनी टीम को निकाल के दिया है, बहुत ही खूबसूरत। सो मैं जो बात बोल रहा था कि अगर आप बार बार बी पे जाएंगे तो सामने वाली टीम को भी पता है कि यस ये दोबारा बी पे आने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि इनसे दो मैच निकल चुके हैं। एक बात ये भी है कि पैटर्न कहीं ना कहीं आपको नहीं बनाना है, अगर आप बार बार एक सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो सामने वाली टीम भी ये चीज एक्सपेक्ट करेगी कि यस ये दोबारा आएंगे। सो एक कहावत है कि एक बार एक घर में एक बार चोरी कर लो तो दोबारा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत मार पड़ती है। और ये दोबारा भी निकालने की कोशिश करेंगे, इस बार सामने भी कहीं ना कहीं लोग तैयार हैं। एंड यस जैसे ही वॉल ऊपर की समझ में आ गया कि यस यहीं पे हैं सारे और लोकेशन रिवील हो चुकी है अटैकर्स की, बहुत ही खूबसूरती से बी को क्लियर कर दिया है। क्या यहाँ पे बेबी डंकी जादू घेर पाएंगे अपना, क्योंकि अकेले मुझे गलत साबित कर दिया। और अटैकर्स कहीं ना कहीं दोबारा निकालते हुए, मैंने बोला ना कि इस मैप में कमबैक करना आसान है अगर आप एक बेहतर प्लेयर हैं। और देखा जाए तो सामने वाली टीम, मैंने बोला ना कि लॉबी कहीं ना कहीं मॉडल्स की है, अब मजा आने वाला है। एक पल में आपको लगेगा कि सामने वाली टीम कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है और आखिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर ये लगेगा कि नहीं। Clear to engage. Yeah. बेबी जॉन्की अब थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव होकर के खेलेंगे, बहुत हुआ बी पे आ रहे हैं, रुको हम बी पे पुश करेंगे। और वही करते हुए और बहुत ही खूबसूरत किल, बहुत ही खूबसूरत क्लीन स्वाइप। और कहीं ना कहीं स्पाइक कहीं ना कहीं गिर चुकी है,
और सान ने कहीं ना कहीं एक किल अपने झोले में डालते हुए फिलहाल मिड निकालने की कोशिश करेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करते हुए और किल जॉय के सामने और बहुत ही खूबसूरत हेड और सोवा ने बहुत ही खूबसूरत हेड शॉट देते हुए लकी लोकेशन रिवील हो चुकी है। एनमी को टैग कर दिया गया है, क्या ये वॉल बैंक देख सकते हैं? नहीं, इधर से तो नहीं, इधर से तो नहीं। किल जॉय ने भी कहने की कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। 30 seconds left. बेबी डॉन्की को दोबारा कहीं ना कहीं जीवन दान दिया है फिलहाल। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इसकी जरूरत थी फिलहाल अभी, बट यस ये फाइनल है और यहाँ पे हर एक इंसान की जान बहुत जरूरी है और बेबी डॉन्की अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है, जहां मुझे लग रहा है कि यस बेबी डॉन्की कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हैं वहीं पे मुझे लग रहा है मैं पनौती लगा दे रहा हूँ या मैं नजर लगा दे रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। ऑलराइट बट यस, पर मुझे लगता है ये काम आ गया है ना, यहाँ पे बेबी डॉन्की को रिवाइव किया एक तरह से, मैं बोलूं तो पेट किया सेज ने और सामने वाले ने बेबी डॉन्की को निपटाया और यहाँ पे सेज को पूरा मौका मिला किल करने का। खूबसूरती से कहीं ना कहीं अपनी बिल्डिंग सजाते हुए फिलहाल और आई डोंट नो कि आखिर अटैकर्स के माइंड में क्या चल रहा है, बार बार कहीं ना कहीं बी पे ही जा रहे हैं। एक आइडिया तो है कि यस बी को निकालना थोड़ा सा इनके लिए इनके हिसाब से आसान है, लेट्स सी। बट इस बार उन्होंने भी अपने लाइनअप्स कहीं ना कहीं लगा रखे हैं, इतनी जल्दी नहीं। फिलहाल अब अंदाजा हो चुका है सामने वाली टीम को, डिफेंडर्स को ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये लोग दोबारा बी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइनअप, अगर वाइपर का अगर लाइनअप देखा जाए तो पूरी तरह से ये कवर अप कर लेते हैं सामने वाले डिफेंडर्स को, पूरी तरह से ब्लाइंड कर देते हैं ये। ओ इनएक्टिव का कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस हो गया। और फिर भी डॉन्की की बात की जाए तो फिलहाल इन्होंने भी अपनी पूरी पोजीशन ली हुई है और इन्होंने देख लिया है फिलहाल वाइपर को और बहुत ही खूबसूरत किल एकदम एच से मारा है, बहुत ही शार्प एच की तरफ नहीं। और बहुत ही खूबसूरती से क्लियर कर दिया है, यहाँ पे आखिरी प्लेयर को भी क्लियर कर पाएंगे, यस डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। मैंने बोला ना बेबी डॉन्की कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल, अपनी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किल निकाल रहे हैं और यहाँ पे 13 किल के साथ टॉप फ्रैकिंग करते हुए। मेरा मानना है टीम में हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है, अगर आप एक प्लेयर के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए तो हर प्लेयर का कहीं ना कहीं आप ही कंट्रीब्यूशन आता हुआ और अटैकिंग टीम में देखा जाए तो कसान कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 किल के साथ टॉप रैंकिंग करते हुए, इनएक्टिव कहीं ना कहीं 7 किल के साथ, तो सभी का कहीं ना कहीं खाता खुल चुका है फिलहाल। देखा जाए तो अटैकर्स के पास फिलहाल उतना क्रेडिट नहीं है, क्या वो क्रेडिट बचाने की कोशिश करेंगे ये तो उनकी तरफ से ही देखने में पता चलेगा। बट नहीं, कोई क्रेडिट बचाने की जरूरत नहीं है, यूज करते हुए कसान आई थिंक मिड डिफेंड करेंगे ये, मिड से कोई भी प्लेयर बैकस्टेप करने की कोशिश करेगा तो उनको क्लियर करने की कोशिश करने वाले हैं और इस बार प्लान में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे लगता है। आई थिंक इस बार ए जाने की कोशिश करने वाले हैं या तो बारह बी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मजे करते हुए, कोई दबाव नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है।
और यही बहुत जरूरी है, अगर आप जहां दबाव में आके खेलना शुरू करते हैं यानी कि वहीं पे आप गलत डिसीजन लेना शुरू करते हैं, वही आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो मेरा मानना है किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप अच्छी सिचुएशन में हो या बुरी सिचुएशन में, ऐसे गेम में आपको दिमाग अपना ठंडा रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ने बोला ये मैप कहीं ना कहीं कमबैक वालों का है, या हारती हुई टीम भी जीत जाती है। फिलहाल टाइम आउट यहाँ पे मिला हुआ है और दोनों टीम्स कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगी, बनाएंगी और क्या करना है आगे, किस तरह से खेलना है। Careful. अब क्या बात हो रही है मुझे नहीं पता, बट ये तो है कि सबको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करना है प्लेयर के साथ, क्योंकि हर प्लेयर का यही गोल होगा कि वो अपनी टीम को जिता सके, इस फाइनल को अपने कब्जे में कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़े प्राइज पूल का कहीं ना कहीं ये गेम हिस्सा है। प्राइज होता है और उसको पाने के लिए दोनों तरफ की टीम्स अपना पूरा एफर्ट दिखाएंगी। अब सभी प्लेयर्स मस्ती करते हुए निशान फिलहाल अभी ये लगता है अपने ही दिमाग में है, अपने ही ख्याल में है कि क्या करना है। बट किसान की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लाइनअप थे इनके, सामने वाले केजे की भी अगर मैं बात करूं तो यस डेफिनेटली, कैसे बी को कवर करना है अटैकर से, कैसे बचाना है, पूरी फील्डिंग बैठा रखी है। और जहां तक बात की जाए अटैकिंग टीम के वाइपर की एग्जैक्टली, वो भी बहुत ही अच्छा लाइनअप बी पे पूरी तरह कवर कर देते हैं, डिफेंडर्स तो दिखता ही नहीं है कि कहां कहां पोजीशन ली हुई है अटैकर्स ने, मौका मिलता है अटैकर्स को अपनी पोजीशन लेने का। और यहां पे लाइनअप बिछाते हुए, फील्डिंग बिछाते हुए वाइपर्स बस बी पे पुश करने की कोशिश। हालांकि केजे का मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया एग्जैक्टली, देखा जाए तो केजे यहां पे थोड़ा सा डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या कुछ किल्स निकालने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। हालांकि देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट किल निकाला है, इन्होंने बेबी डोंकी को कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, इंपॉर्टेंट किल। बट क्या यहाँ पे बेबी डोंकी को न्यूट्रलाइज कर देने से कुछ फायदा होगा वो तो अभी पता चल जाएगा। Careful. Careful. और यहाँ पे सुबह कहीं ना कहीं आइडिया है और सुबह बस बचे हुए हैं डिफेंडिंग में, क्या ये बॉम्ब डिफ्यूज कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम को तभी रिवील होना है जब ये बॉम्ब डिफ्यूज करेंगे, कोशिश तो ये करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे, और मुझे लगता है यहाँ टाइम वेस्ट करने में कामयाब रहिए, बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होगा और जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर दिया। तो फिलहाल एक और जीत कहने के अटैकर्स के झोली में जाती हुई, फिलहाल मैच 6-4 का है, डिफेंडर्स कहने के अभी भी 2 मैच से आगे हैं। टीम एक्सप्लोजन 6 मैच जीत चुकी है और 4 मैच कहने के अटैकर्स है। इस बार फिर से किसान कहीं ना कहीं ए पे बस कोशिश करेंगे डायवर्जन क्रिएट करने की और किल निकालने की,
थिंक सुवा को देखना इंपॉर्टेंट होगा, मैं एक बार ए पे देखना चाहूंगा। सुवा भी बस यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि कोई रोटेशन तो नहीं है। अगर कोई रोटेशन नहीं है, चार शॉट्स फायर हुए, मुझे लगता है सुवा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिड टू बी जाने की कोशिश करेंगे। ओके सो वापस आते हैं फिलहाल बी साइड पे, और बहुत ही खूबसूरत बेबी डोंकी ने किल निकाला। वो भी जो वाइपर जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके लाइनअप की बात कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। इनएक्टिव को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये गलती नहीं करनी चाहिए थी बॉबी डोंकी को। देखिए मैंने जैसे ही कहा कि जोश में होश नहीं होना चाहिए, चाहे आप चाहे इतने जितने भी अच्छे प्लेयर हो, कभी भी सामने वाले प्लेयर को अंडरएस्टिमेट नहीं करें। यहाँ पे स्लोली अपने आप को छुपाते हुए और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे डिफेंड किया है और जीत कहने के एक्सप्लोजन के झोले में जाती हुई 7-4 से मैच चल रहा है। 3 विन से आगे टीम एक्सप्लोजन बहुत ही खूबसूरत खेलते हुए। देख मैंने जैसे ही बोला कि हर प्लेयर का कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, हर प्लेयर का एक्सप्लोजन में। सो अटैकर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब मुझे लगता है इससे पहले डिफरेंस जीत का और बढ़ जाए, यहाँ पे स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा अटैकर्स को। और बेबी डोंकी की जैसे मैं बात कर रहा था, ऑपरेटर बहुत खूबसूरत चला रहे हैं। You should run. किसी को अंदर आने नहीं दे रहे, अटैकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अल्ट का यूज किया गया है फिलहाल अटैकर्स के थ्रू। क्या ये साइट है के अंदर इंटर कर पाएंगे? और सामने वाली टीम मेंबर्स ने भी कही था कि यहाँ पे अल्ट यूज कर दिया है। और कोई फायदा नहीं हुआ केजे के अल्ट का उतना। दोनों ही तरफ के टीम मेंबर्स काफी अनुभवी हैं, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। क्या यहाँ पे बेबी डोंकी अपने ऑपरेटर का यूज कर पाएंगे, देखना पड़ेगा। अब बहुत अच्छी है इनकी, और ये सीधे वेंडल पे स्विच कर चुके हैं। इनको नहीं पता कि प्लेयर कहां। ओह वाओ अमेजिंग, इन्होंने सीधे ब्लाइंड में मारा है। मुझे लगता है इनको सेव कर लेना चाहिए, और सेव करने का मौका केजे नहीं देंगे, कसान नहीं देंगे। और स्विचिंग साइड्स, उस जीत के डिफरेंस को कहने के अटैकर्स ने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। कैन आई गेट दिस? यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटजी में बदलाव किया और ए साइट निकाल दिया, पर मुझे लगता है ए साइट के बाद सीधे ये बी पे आएंगे। दोबारा एक तरह से बी से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है इनको, पर इनके प्रॉपर लाइनअप्स कहीं ना कहीं साइट बी पे ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ए साइट ऑलरेडी बहुत कवर अप होती है वाइपर के नजरिए से देखा जाए, तो साइट बी में बिल्डिंग बिछाना थोड़ा सा बेहतर है। सो डिफेंडर्स कहीं ना कहीं मिड से कहीं ना कहीं यहाँ पे ए को कवर कर रहे हैं, बी पे दो एग्जैक्टली बी पे दो प्लेयर्स, एक मिड पे और दो ए पे। ऑलराइट, जहाँ एक प्लेयर रिवील हुआ थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाएगा, और देखते हैं सबसे पहले कौन रिवील होता है। और सोवा रिवील हो चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरती से वोडी ने एक किल निकाला। ठीक है कोई बात नहीं, बट अपने टीम के लिए planted. एक किल तो निकाल ही लिया कम से कम। और यहाँ पे बॉम्ब प्लांट हो चुका है, साइड बी को पूरी तरह से कहीं ना कहीं अटैकर्स ने अब बस टाइम वेस्ट करना है और अपनी जान बचानी है। बहुत ही खूबसूरत तो कशान कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हुए, और क्या ये कर पाएंगे, नहीं, डिफेंडिंग में थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा।
तो एग्जैक्टली मैं बताना भूल गया कि टीम स्विच हो चुकी है, अब डिफेंडिंग कहीं ना कहीं स्ट्रॉ हेड कर रही है, और सब अटैकिंग मोड पे जो अब आ गए हैं वो कहीं ना कहीं टीम एक्सप्लोजन है। हालांकि ये भी वैसे ही खेल रहे हैं जैसे सामने वाली टीम खेल रही थी, और ये भी कोशिश कर रहे हैं मिड टू बी निकालने की। ओके, थोड़ा सा बदलाव किया है यहाँ पे, आधी टीम गई है डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए ए साइड पे, और बाकी बी पे बॉम्ब प्लांट करेंगे। और साइट ए में सिर्फ एक ही प्लेयर बचा हुआ है, क्या उसको क्लियर कर पाएंगे? और क्लियर कर दिया है, इनको पूरा मौका मिल गया है आराम से बॉम्ब प्लांट करने का, बहुत ही आराम से। आई थिंक इस तरह से क्यों नहीं खेला स्ट्रॉ हैट ने, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। उधर डाइवर्जन क्रिएट किया ही नहीं, केजे को सिर्फ भेज दिया साइट ए पे, कोई फायदा नहीं। सिर्फ उनके टीम की सिर्फ किल जो है बची हुई है, कसान कुछ अपना जादू बिखेर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सामने चार प्लेयर्स हैं उनके सामने। बहुत ही खूबसूरत किल, सीधे हेडशॉट, देखते ही मार दिया, कोई मौका नहीं। बट सोवा के हाथों बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, फिलहाल ये ऊपर थे। हर प्लेयर की दो आंखें होती हैं, और आपको यहाँ पे आपके पीछे आंखें होती तो बात की बात थी, आपके बगल में आंखें होती तो बात की बात थी, बट ठीक है। पूरी कोशिश कर रहे हैं फिलहाल स्ट्रॉ हैट कहीं ना कहीं डिफेंडिंग में बेहतर दिखाने करके दिखाने की, लेट्स सी क्या ऐसा कर पाएंगे ये, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी टीम एक्सप्लोजन कहीं ना कहीं हावी हो रही है। और इन्होंने इपर ने अपना जो लाइनअप है वो ऑलरेडी लगा दिया है बी पे, वॉल लगा दी है एग्जैक्टली। बेबी जॉन्की बॉम्ब छोड़ के क्यों गए मुझे नहीं पता, बट ठीक है। हालांकि डिफेंडिंग साइड पे अब अंदर आने नहीं दे रहे, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हेडशॉट चसान की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत किल ले रहे हैं। मैं देखूं तो मुझे अगर कोई फेवरेट अभी प्लेयर लगा है तो बेबी डोंकी के बाद का साथ, बेबी डोंकी की मुझे यहाँ पे स्नाइपिंग बहुत ही मज़ेदार लगी और बहुत अच्छी चला रहे हैं कसान। ऑल ओवर हर गन में बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं, हर चाहे वो पिस्टल राउंड हो, चाहे वो असॉल्ट में हो, वेंडल की बात हो, सीधे हेड टू हेड, सीधे हेड कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे टीम इस टीम मेंबर ने अपना पूरा का पूरा यहाँ पे योगदान दिया है, विन शो मी वेयर टू गो, जो कि बहुत जरूरी है। कसान टॉप फ्रैगिंग करते हुए 18 किल के साथ, 11 के डेड एंड 1 असिस्ट, ठीक है केडी ठीक ठाक ही है, बाकी बेबी डोंकी का इस समय केडी बहुत बेहतर चल रहा है, उतना ही है। हालांकि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, देखा जाए तो दोनों के केडी सेम ही है, दोनों के किल सेम है, दोनों के डेथ सेम है, दोनों के असिस्ट भी सेम है, दोनों टीम के प्लेयर्स अपनी टीम के लिए बेहतर कंट्रीब्यूशन देते हुए। सो इनएक्टिव कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि सारे के सारे बी साइड पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। स्कैनिंग अहेड, और यहाँ पे सोवा का रिवील कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इशारा करेगा सामने वाली टीम को कि यस हम बी साइड पे इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉम्ब प्लांट किया जा रहा है, तो फिलहाल कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम स्ट्रॉ हेड्स को कहीं ना कहीं सोचने का मौका ही नहीं दिया, सीधे इंटर कर रहे ये बी साइड पे, और दोनों सामने सामने और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, और इनके पीछे थे वो और वो देख नहीं पाए। और बहुत ही खूबसूरती से क्या ये बॉम्ब डिफ्यूज कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, इतना तो टाइम है। यस, माय अल्टीमेट इज रेडी, बॉम्ब ग्रेनेड आउट, और अपनी टीम के लिए एक और जीत दिलाते हुए एग्जैक्टली कसान बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं।
गेम प्ले बहुत खूबसूरत है। जैसे मैंने बोला इमॉर्टल लॉबी है, मजा आएगा। कैन आई गेट दिस? हियर। मजा आ भी रहा है। हियर। रेजिंग सेंट्री। तो मिड पे टरेट लगा दिए और अब ये साइड पे जा रहे हैं। कसान को ये साइड से बहुत प्यार है, चाहे वो अटैकिंग की बात हो चाहे वो डिफेंडिंग की बात हो। अटैकिंग साइड पे भी कसान पहले ए पे ही गए थे और इस बार कहीं ना कहीं अटैकर्स अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए इस बार मिड से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव पुश होगा। बट क्या इनको पता है कि मिड में टरेट लगी हुई है? ओके, वाइपर ने भी अपना पूरा यहाँ पे वॉल का यूज एग्जैक्टली किया और यहाँ पे down, B. स्ट्रेटजी थोड़ी सी फेल होती हुई बी साइड पिंटर करने की। सिर्फ बचे हैं तो यहाँ पे वाइपर स्लोली क्या कुछ कर पाएंगे। बी साइड पे सिर्फ यही अकेले हैं और सामने से अब थोड़ा पुश आ रहा है। अब एक बार कहीं ना कहीं सामने वाली वाइपर चेक करने जरूर आएगी कि क्या कोई बी साइड पे अभी भी बचा है। नॉक नॉक, सामने कोई है? और ये बहुत ही खूबसूरत किल। और नहीं, इनएक्टिव से बचना मुश्किल ही नामुमकिन है फिलहाल। बहुत ही खूबसूरत ऑपरेटर चलाते हुए और एक और मैच। तो आप देख सकते हैं वो जो जीत का जो डिफरेंस था, जो पहले बहुत ज्यादा लग रहा था, वो देखो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जैसे बोला इस मैप में कम बैक कोई भी कर सकता है, कम बैक वाला मैप है, यहाँ पे कम बैक बहुत ईजिली होते हैं। और अब ये साइड को निकालने की कोशिश, क्योंकि मिड फेल हो गया इनसे, मिड नहीं निकल पाया। आई थिंक मिड पे कोई एक रुकेगा और बाकी ये साइड पे कुछ करेंगे। और देखा जाए तो टीम स्ट्रॉ हेड की स्ट्रेटजी सिंपल है, दो ए पे, एक मिड पे और दो सी पे, सॉरी दो बी पे। टॉक्सिन्स गोइंग अप। और जिस साइड मेंबर्स ने एनिमीज को देख लिया, समझ जाओ उसी साइड जाना है। और सारे के सारे प्लेयर भाग के ए पे जा रहे हैं। क्या ये रिवाइव दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे बेबी डोंकी ने यूटिलाइज किया है। कसान कहने की यहाँ पे अब डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और अपने अल्ट का यूज किया है। बहुत ही सही समय पे अल्ट का यूज किया है इन्होंने। अब सामने वाली टीम मेंबर्स को भी पीछे हटना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और अटैकर्स का यहाँ पे पहले खत्म हुआ अल्ट और डिफेंडर्स का अभी भी है फिलहाल। इनको मतलब मौका है साइड में एंटर करने का, बट क्या इसका कोई फायदा होने वाला है? क्योंकि इन्होंने बॉम्ब जहाँ से प्लांट किया है वहां से लॉन्ग से प्लेयर्स देख सकते हैं। कोई फायदा नहीं और अटैकर्स ने ये मैच जीत लिया है फिलहाल। देखा जाए तो दोनों टीम बेहतर खेल रही है। तो फिलहाल बेबी डोंकी के फिलहाल स्किल 22 किल्स और कसान 23 किल्स। दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए किल्स निकाल रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल कहीं ना कहीं यहाँ पे अदा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि डिफेंडर्स की स्ट्रेटजी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, तो मैं उन पे दोबारा नहीं आऊँगा। ए पे 2, मिड पे 1 एंड बी पे 2 प्लेयर्स। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जिसने पहले मेंबर्स एनिमी को देखा सबको उसी साइड जाना है, बस यही हो रहा है। बट क्या यहाँ पे टीम एक्सप्लोजन के प्लेयर्स ए पे डाइवर्जन क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि इनको इतना अंदाजा है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉट्स फायर करेंगे तो सारे के सारे प्लेयर भग के साइड पे आएंगे और बी पे जो अटैकर्स हैं उनको मौका मिल जाएगा डोमिनेट करने का। और यहाँ पे अपना रिवील दे दिया है इन्होंने। सो ये डाइवर्जन क्रिएट करते हुए जिसकी मैं बात कर रहा था, बट कहीं ना कहीं अभी भी बी साइड को जो डिफेंड कर रहे हैं वो भी वोडी फिलहाल क्या वो। और कहीं ना कहीं डाइवर्जन क्रिएट कर पाना मुश्किल हो गया फिलहाल, समझ में आ गया। और इन्होंने वापस फिलहाल डिफेंडर्स भी कहने की बी साइड पे आ चुके हैं और
और इनएक्टिव की यहाँ पे हमें बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे निकाला है फिलहाल इनएक्टिव ने. वाओ अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, वो कहीं नहीं दिया सामने वाले प्लेयर को शॉट फायर करने का. बहुत ही खूबसूरत ऑपरेटर चलाते हुए, ऑपरेटर शॉट देखने का मजा ही कुछ और है. कुछ भी कहो, अभी तक अगर मैं ऑपरेटर शॉट की अगर बात करूं तो इनएक्टिव की ऑपरेटर शॉट भी मुझे बहुत बेहतर लगी. यहाँ पे बेबी डॉकी भी अटैकिंग टीम से बहुत ही अच्छे ऑपरेटर चला रहे हैं. वन शॉट वन किल वाली बात ही अलग है. तो आई थिंक फिर से नहीं, इस बार भी वापस ए पे डाइवर्जन क्रिएट होगा और इस बार मिड पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं निकालने की, क्योंकि मिड नहीं निकाल पाए अभी तक. ओके सो चैट ने कहीं ना कहीं अपना मूड बदलने की कोशिश की बट लगता है वापस अटेम्प्ट लगाएंगे. और जेट को नहीं दिखा फिलहाल, अगर जेट की नजरों से देखा जाए तो हेड नहीं दिख रहा था. कसान ने इसका पूरा एडवांटेज लिया ऊपर से और देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किल निकाल के दिया अपनी टीम को बेबी डॉकी जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं. फिलहाल यहाँ पे बी पे कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है बट क्या डिफेंडर्स अटैकर्स को आने से रोक पाएंगे, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो बॉम्ब इस समय कहीं ना कहीं ए पे प्लांट करने की कोशिश होगी और बॉम्ब को प्लांट किया जा रहा है और सारे के सारे प्लेयर भग के ये साइड पे आप आते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पे या तो अपने आप को बचाओ या थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं इस समय, क्योंकि अटैकर्स में से 3 प्लेयर्स बचे हैं और सामने 4 प्लेयर्स हैं तो थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा. और यहाँ पे नाकाम हुए. मुझे ये समझ में नहीं आया जब बॉम्ब सामने है तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इन्होंने बॉम्ब भी गलत प्लांट किया है. इनको थोड़ा सा लॉन्ग साइड पे आ जाना चाहिए था, लॉन्ग साइड का बॉम्ब प्लांट करना चाहिए था ताकि इनको दूर से भी बॉम्ब दिख जाए. सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं They look like us, but are they us? सामने से ही आए. So many questions. कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां कभी कभी. I don't know कि वो क्या सोच रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं. मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए था आखिर. क्योंकि सामने 4 प्लेयर हो और आप 2 प्लेयर हो और आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तो ऐसा बॉम्ब प्लांट करना चाहिए जहाँ से आप थोड़ा सा कवर ले सकें और बॉम्ब को डिफ्यूज होते हुए समय देख पाए. और डायरेक्ट पुश होगा यहाँ पे ए पे, आई थिंक सारे प्लेयर्स क्योंकि ए पे ही हैं और रिवील तो वैसे हो चुके हैं फिलहाल कियो के नाइफ से. देखते हैं सबसे पहले कौन इंटर करता है ताकि सोवा का रिवील काम नहीं आएगा. और ओके और यहाँ पे कियो रिवील हो चुके हैं, क्या कोई इसका एडवांटेज मिलने वाला है. और यहाँ पे One enemy remaining. ये भी डोंकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैच निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट कोई फायदा नहीं, उनको क्लियर कर दिया गया, उनको न्यूट्रल कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया. और कसान यहाँ पे क्या आखिरी प्लेयर को क्लियर कर पाएंगे. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हेडशॉट कसान की तरफ से. तो मैंने जैसे ही कहा कि ये मैच कहीं ना कहीं कमबैक वालों का है. यहाँ पे हारती हुई टीम भी जीत जाती है और जीतने वाली टीम भी हार जाती है कभी कभी, है ना. तो सबको दिमाग से खेलना पड़ेगा. अगर अभी अगर आपने देखा है ना कि एक टाइम पे टीम एक्सप्लोजन कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी और अभी देखो अब इस समय जो लीड ले रहा है वो इस समय टीम स्ट्रॉ हैट्स हैं बहुत ही खूबसूरत खेलते हुए. सारे प्लेयर्स कहीं के मिड निकालने कोशिश करें क्योंकि मिड से इनका गेम नहीं निकल पा रहा है, एक भी मैच नहीं निकल पाया अभी तक मिड से पुश करने पे, कहीं निकाल पाएंगे मैच. और सामने अगर बात करूं तो कसान है इस समय मिड को कवर करने के लिए, मिड डिफेंड करने के लिए. और यहाँ पे सोवा का कहीं ना कहीं ड्रोन आया है, क्या ये
कसान को देख पाएंगे। नहीं, कसान अपने आप को छपाना छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ने बोला कि मिड से गेम नहीं निकाल पा रहे फिलहाल। और यहां पे एक किल निकाल दिया है फिलहाल कसान ने। अब थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, काम नहीं बन रहा। और सामने बेबी, और बहुत ही खूबसूरत बेबी डॉकी, बहुत ही खूबसूरत मार्शल चलाते हुए। जैसे ही कहा कि इतने लेन से ऑपरेटर की बात हो चाहे मार्शल की बात हो, खूबसूरत शॉट ले रहे हैं। स्पाइक डाउन ए। फिलहाल देखा जाए तो दोनों ही जेट्स इस समय मैच में, एक मार्शल चलाते हुए तो एक ऑपरेटर। मैंने जैसे ही कहा कि इसके बाद अगर मुझे कोई ऑपरेटर चलाता हुआ बेहतर लगा है तो वो कहीं ना कहीं इनएक्टिव ही है, और इनएक्टिव के हाथ में इस समय ऑपरेटर है। बट इनको नहीं पता कि बॉम्ब कहाँ प्लांट हो रहा है। और पी पे ये मैच देखना बहुत ही खूबसूरत होगा। एक के हाथ में कहने की मार्शल है और एक के हाथ में ऑल राइट। तो मुझे लगा था यहाँ पे मुझे गलत साबित किया इनएक्टिव ने, ऑपरेटर का यूज किया ही नहीं उन्होंने, अपनी एबिलिटी का यूज किया। और बहुत सस्ती मौत कहीं ना कहीं बेबी डोंकी को मिली है, लगा नहीं था। और यहाँ पे डिफ्यूज करते हुए, जैसा कि मैं कह रहा था, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, मैच पॉइंट, ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, है ना, ये गलत है। सामने वाले प्लेयर को कभी ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। डेड बॉडी पे शॉट करना अच्छी बात नहीं है एक प्लेयर के लिए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा एग्रेशन दिखाने की जरूरत है और वो दिखा भी रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे कहीं ना कहीं अभी टीम स्ट्रॉ हैट कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी। और इस समय सिर्फ एक जीत से अब रह रहे हैं। फिलहाल पीप निकालने की कोशिश और बहुत ही एग्रेसिव पुश करने की कोशिश। यहाँ पे लाइनअप तो फिलहाल दिख गया होगा डिफेंडर्स को, और फिर भी डोंकी को देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्या ये कुछ अपने प्लेयर्स के लिए, अपनी टीम के लिए कुछ किल निकाल पाएंगे। हालांकि सेज कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है। और यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश और नाकाम होते हुए। यहाँ पे केजे ने अपना अल्ट यूज कर लिया है, क्या इस अल्ट का कुछ यूज हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो सामने कसान ने भी अपना अल्ट यूज कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटजी को यूज किया है। अब इनको किल निकालने पड़ेंगे, यही मैच है जिसमें ये चाहे तो जीत सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरती से ये मैच जीत गया। मैंने बोला था ये मैच कमबैक वालों का है, हर टीम जीत सकती है और जीतने वाली टीम हार सकती है। ये मैच कहीं ना कहीं डिफेंडर्स जीतते हुए, बहुत ही खूबसूरत मैच। स्ट्रॉ हेड, एक टाइम था जब स्ट्रॉ हेड पीछे चल रही थी और एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं एक्सप्लोजन जीतते हुए दिखेंगे, बट यस मैप कमबैक वालों का है बेबी। सो कसान यहाँ पे 30 किल्स के साथ 15 बार मरे और 3 असिस्ट इन्होंने दिए हैं। तो देखा जाए तो इस समय कसान और बेबी डोंकी हैं जिन्होंने अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छे स्कोर निकाले हैं। 304 स्कोर कहने के बेबी डोंकी, जिसने 27 किल किए, 19 बार डेड हुए और 1 असिस्ट। तो देखा जाए तो हर प्लेयर का बहुत ही खूबसूरत कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। फिलहाल रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो बहुत ही खूबसूरत। सो फिलहाल मजा आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए, है ना। सो पूरी जैसे मैंने बोला कि ये मॉर्टल लॉबी एग्जैक्टली इनएक्टिव देख सकते हैं आप इमॉर्टल में इस समय। और देखा जाए तो एक्सप्लोजन में एग्जैक्टली एडी यानी कि इमॉर्टल 1 पे हैं। स्लो यहाँ पे स्लोली की अगर बात कर ली जाए तो वो भी इमॉर्टल में है। बेबी डोंकी की बात की जाए, बेबी डोंकी मुझे लग रहा था ये इमॉर्टल क्यों होंगे, पर इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे थे ये, मुझे ये बात नहीं पता थी। डायमंड 3 का प्लेयर बहुत ही खूबसूरत खेल रहा था और इमॉर्टल के ऊपर इतना हावी हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही ये राउंड हार गए, बट यस एक और राउंड अभी बाकी है, क्योंकि एक्सप्लोजन को अगर फाइनल जीतना है तो एक और राउंड जीतना पड़ेगा। सो क्या नए मैप में कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोजन कुछ आउट परफॉर्म कर पाएगी, लेट्स सी। बेबी डोंकी डायमंड 3 पे है इस समय। बाकी बात कर ली जाए
नेक्स्ट प्लेयर की जो कि एक्सप्लोजन से ही है वो भी इमॉर्टल वन में है। कसान की बात की जाए जो कि टॉप फ्रैगिंग करते हुए दिख रहे थे वो भी इमॉर्टल में ही है। सोच सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मैच था। बात करी जाए वुडी की एग्जैक्टली वो ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा चैलेंज कहीं ना कहीं ओवरऑल दिया है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और यहाँ पे अब मैप डिसाइड होगा कि कौन सा मैप लगने वाला है। सो फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। सो मिलते हैं गाइस सेकंड राउंड में। ऑलराइट,